सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग लाइव। तो गाइस कैसे आप लोगों का तरह से लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस हम लोग आज के माइनक्राफ्ट हार्डकोर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो गाइस आज वाली वीडियो में हम लोग कुछ तबाही करने वाले हैं, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों को इंट्रो देखकर ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारा ये वाला टॉपिक भी नेदर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि गाइस आज वाली वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं अपनी प्यारी सी फोर्ट्रेस को ढूंढने। और गाइस उसको ढूंढना सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरे को फोर्ट्रेस नहीं मिलती है तो मैं अगले एपिसोड में एंडर ड्रैगन को नहीं मार पाऊंगा। और हाँ गाइस, हम लोग अगले एपिसोड में जाने वाले हैं एंडर ड्रैगन को मारने। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लो, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी बाकी वीडियोज़ को भी बनाने में। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हो। और गाइस देखो, मेरा स्वागत ना हमेशा ये चिमकंडी सी घास करती है, पता नहीं इसको प्रॉब्लम क्या है मेरे से। भाई तू ही क्यों मेरा बाकी कोई स्वागत करने नहीं आता, सिर्फ यही आती है। मस्त जोक मारा रे। तो गाइस चलो, मैंने उस गास्ट को तो मार दिया है, लेकिन गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे सब्सक्राइब बटन को नहीं मारा है ना, तो जाकर ना खींच के उसको दो चमाट मार के आओ, क्योंकि देखो हम लोगों को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो 1000 सब्सक्राइबर पे एक बहुत ही तगड़ी सी स्पेशल वीडियो आने वाली है, और मैंने काम अभी से ही शुरू कर दिया उसका। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दी वीडियो, और जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। और हाँ, मैंने साथ ही साथ प्रमोशन भी कर दिया अपने चैनल की, तो प्लीज कर दो यार। बे साले तभी तो गाइस देखो, अभी मैं थोड़ा सा ही आगे को निकला था, और देखो इस चिमकंडी गास्ट को और थोड़ी सी दर्द हो गई है, और ये अब मेरे को मारने के लिए उतावली हो रही है। और गाइस देखो, अभी एक को मार के फारी हुआ, और अभी ये देखो ये चिमकंडी सी दूसरी आ गई, और ये मेरे एरो इतने स्लो क्यों जा रहे हैं। तो चलो गाइस, ये भी मर गई। और गाइस ये क्रॉसबो सच में ओवर पावर्ड होता है, मेरे को पता नहीं था कि इतना ओवर पावर्ड होते होंगे, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि साथ ही साथ आप लोग अगर जैसे फाइट वगैरह करते हो ना, पीवीपी वगैरह, तो एक क्रॉसबो बना लेना जिसमें मल्टी शॉट लगा हो, वो बहुत खतरनाक होता है। और हाँ गाइस देखो, मैंने अपने लिए एक तगड़ी सी माइन भी बनाई है, एशियन डेब्रिस माइन है ये, इसी से मेरे को जितने भी एशियन डेब्रिस मिले वो है ये, और एक और थी वो मैंने पूरी फोड़ दी। और गाइस चलो, अभी जल्दी से निकलते हम लोग अपनी फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। तो गाइस चलो, मेरे को फोर्ट्रेस मिल गई है, और गाइस सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको ढूंढने में, मतलब थी तो अपने घर के आसपास ही लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। और गाइस चलो, मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा हॉगलिंस के भी मर्डर कर दिए है। और गाइस ये वाली फोर्ट्रेस ना बिल्कुल लावा लेक के बीच में है, और गाइस देखो ये नहीं सुधरेगी, ये चिमकंडी नहीं सुधरने वाली, और ये भी नहीं सुधरने वाला है। नूबड़े निकल यहाँ से, चल निकल पकौड़े, चल निकल। इनका मैंने सच में वो पोक चॉप बना लिया, मैं पोक चॉप बोलना चाहता था, पकौड़े बोल दिया गलती से। आर यू कॉमेडी मी? तो गाइस चलो, मैंने उन हॉगलिंस का पोक चॉप तो बना दिया है, लेकिन गाइस मेरे को कोई ये बताएगा कि मैं नीचे कैसे जाऊंगा यहाँ से? और अगर मैं नीचे नहीं जा पाया तो मेरे को एक और न्यू फोर्ट्रेस ढूंढनी पड़ेगी, और मैं उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तो गाइस चलो जल्दी से हम लोग ना इसके लिए एक खतरनाक सा पाथवे सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं एक इसका रूफ टॉप देखता हूँ जहाँ से मैं डायरेक्टली अंदर जा सकूँ। और गाइस देखो, मेरे लिए अभी से ही उतावले हो गए, देखो नीचे मॉब्स सारे के सारे मेरे को अभी से ही देखने लग गए। ये देखो, और देखो हॉगलिन मेरे को ही देख रहा है ऊपर की तरफ को। तो गाइस इसको तो सबसे पहले मैं ही मारने वाला हूँ, ये पक्का, इसको मैं पक्का मारूंगा। और गाइस चलो, सबसे पहले नीचे के ले जाने के लिए एक रास्ता समझा लेता हूँ। A few inches later. तो गाइस काफी देर तक सोचने के बाद सिर्फ मेरे को एक ही रास्ता याद आ रहा है यहाँ से नीचे जाने का, वो है यहाँ से डायरेक्टली जंप करने का। खत्म। तो गाइस चलो अभी, अरे भाई क्या ही डैमेज पड़ा, अच्छा ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, एक हार्ट ही गया मेरा मैक्सिमम। और गाइस देखो कितनी सारी ब्लेज स्पॉन हो रखी है यहाँ पे। और गाइस अभी मेरे को सच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अगर मैं गलती से नीचे गिर गया तो टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा सब कुछ। मैं सबसे पहले जल्दी से जाकर स्टेटस हटा के आता हूं। अरे तू जा रही? तो गाइस चलो, अभी मैं अंदर तो आ गया हूँ इसके फोर्ट्रेस के। और गाइस देखो, अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इन चेस्ट को लूटना है। मैंने वैसे चेस्ट लूट लिए, ये मेरी थोड़ी बीच में रिकॉर्डिंग करप्ट होगी तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को। तो गाइस देखो, मेरे को दो डायमंड्स मिले और एक विदर स्केलेटन का हेड मिला, चेस्ट से नहीं मिला, मैंने उसको विदर स्केलेटन को मारा था उससे मिला। और गाइस चलो, अभी जल्दी से ऊपर को निकलते हैं, और ब्लेज भी चलो मेरे पास काफ़ी इकट्ठी होने लग गई है, एट ब्लेज रॉड तो देखो अभी इकट्ठी होगी, लूटिंग 3 का फायदा देखा गाइस। और गाइस चलो जल्दी से अभी हम लोग ऊपर को निकलते हैं, और गाइस चलो देख लेते हैं इस चेस्ट में भी क्या है। इसमें चलो अपने को ऑक्सीजन मिली। ओ भाई ओ भाई भाई भाई, कितने सारे विदर स्केलेटन है यहाँ पे भाई साहब, पूरे 4 के 4 विदर स्केलेटन एक ही साथ आ गए भाई, कुछ भी मतलब, एक बंदे को मानने के लिए 4-4 ला रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? तो गाइस चलो जल्दी से हम लोग कुछ खा लेते हैं, नहीं तो मैं मरने वाला हूँ पक्का। और गाइस देखो, अभी मेरे पास इतने 3 ऑक्सीजन है, और अगर मेरे को बाहर निकलना होगा तो मेरे को एटलीस्ट मेरे हिसाब से 10 ऑक्सीजन लगेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से ब्रिज आउट करके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है अपने लिए। तो गाइस मेरे को लगता है हम लोग मरने वाले हैं,
बाहर निकलते निकलते मैं पक्का मर जाऊंगा। और गाइस चलो सबसे पहले स्टीम कंडी को मारते हैं, और मेरे को इसने आग लगा दी। तो गाइस चलो अभी और भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे डेड एंड आ गया, हमाल में तेरे बाप को मत सिखा चल। तो गाइस चलो अभी यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ को, और देखते हैं कि यहाँ पे अपने को कुछ मिल सकता है कि नहीं। और गाइस देखो अभी सामने से आगे दो दो विदर स्केलेटन, चलो इनका सर फोड़ते हैं सबसे पहले। क्या इन लोगों में से किसी ने विदर स्केलेटन हेड करा ड्रॉप नहीं किया? तो गाइस चलो कोई ना, अभी इसको अरे अरे तू कहाँ आ रहा है बे, मैं जिसको मार रहा हूँ उसको मारने देना। अरे यार ये विदर इफेक्ट क्यों लगा देते, मेरे को समझ नहीं आता। तो गाइस चलो अभी सबसे पहले तो मैं कुछ खा पी लेता हूँ, नहीं तो मैं मरने वाला हूँ। अरे ये काहे को आ रहा है यहाँ पे यार, एक हिट के होते नहीं ये लोग लड़ने आ जाते हैं। तो गाइस चलो स्केलेटन की बेइज्जती तो हो गई है, और इसकी भी हो गई साथ ही साथ। ये फालतू में अपनी बेइज्जती करवाने हैं गाइस, इसमें इसकी गलती है, गजब बेइज्जती है। तो गाइस चलो हम लोग अपना चिकन लेग पीस खा लेते हैं, और चलो अभी इससे विदर स्केलेटन के इससे ना इफेक्ट से निकल जाऊँ मैं सबसे पहले तो। और गाइस देखो मैं इस पूरी की पूरी फोर्ट्रेस को ना एक्सप्लोर करे भी ना तो जाने वाला नहीं हूँ। और गाइस ये सच में बहुत बड़ी फोर्ट्रेस है, अगर मैं जिस टाइम इसको बाहर से देख रहा था ना उस टाइम मेरे को पता चल गया था कि कितनी इसकी लेंथ है। और गाइस मतलब इसमें रूम्स भी काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसमें मेरे को चेस्ट भी मिलने वाली है, और साथ ही साथ मेरे हिसाब से इसमें दो स्पॉनर तो है ही कम से कम। और गाइस ये देखो यहाँ पे लावा रहा है, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और अपने ब्लेजर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। मगर क्यों? क्योंकि गाइस मेरे को चाहिए ब्लेजर्स, और देखो इसको सबसे पहले मैं से लड़ लेना है नूबड़ा कहीं का बॉट। अच्छा ये स्केलेटन था, सॉरी विदर स्केलेटन होता तो अभी तक के लिए मेरे को वापस से विदर इफेक्ट लग जाता। तो गाइस चलो अभी यहाँ पे देख लेते, और मैं यहाँ पे छुपा था पीछे थोड़ी देर के लिए क्योंकि मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा विदर स्केलेटन ने अटैक कर दिए थे। तो गाइस चलो अभी सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं स्पॉनर को, और मेरे को जो स्पॉनर मिल जाएगा तो मैं आसानी से वहाँ पे मतलब ब्लेजेस की हत्या कर सकता हूँ। सबसे पहले इस चुड़ैल को मारता हूँ, चुड़ैल को नहीं सॉरी अंकल को मारता हूँ। और देखो भाई 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 बहुत घमासान युद्ध हो गया है, अगर मैं सर्वाइव कर पाया तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो क्या देखो मैंने सर्वाइव कर लिया है, तो कर लो जल्दी से जाओ, मेरे को पता है अभी तो किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। मेरे को पता है 98% लोग ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे को पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा बकवास मार दिया है। और क्या चलो जल्दी से निकलते हैं हम लोग, और ढूंढते अपने लिए एक नदर फोर्ट्रेस नहीं, हम लोग जाकर अपने लिए स्पॉनर ढूंढते हैं। कुछ भी। तो गाइस चलो मेरे को एक ब्लेज स्पॉनर मिल गया है, और गाइस ये वो वाला स्पॉनर है जो फोर्ट्रेस के ऊपर को स्पॉन होता है ना, ये वो वाला है स्पॉनर, मैक्सिमम टाइम ऊपर की तरफ को ही होता है स्पॉन। तो गाइस चलो अभी सबसे पहले इन अंकल को मारते हैं, और आंटी जी भी आई थी बीच में, इनको भी मैंने निपटा दिया। और गाइस देखो मेरे को ना पूरे के पूरे 3 विदर स्केलेटन के हेड मिल चुके, पता नहीं कैसे मिल गए, जैसे मेरे लूटिंग 3 की वजह से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिल गए। तो गाइस ये अपने लिए एक अच्छी बात है, और गाइस इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो नहीं। तो गाइस इसका सिंपल सा मीनिंग है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम लोग कभी भी विदर बॉस को कभी भी मार सकते हैं हम लोग। और गाइस मैं सोच रहा हूँ इसको एंडर ड्रैगन के बाद ही मारेंगे, जैसे मैं 11th एपिसोड में मारने वाला हूँ अपने एंडर ड्रैगन को, तो हम लोग 21 एपिसोड में हम लोग अपने विदर को भी मार ही देंगे। ईजी है मतलब, समझ रहे हो ना आप लोग, मेरे को पता है समझ भी हो गए अभी तक के लिए। तो गाइस चलो मैंने काफ़ी ज़्यादा फालतू बकवास तो मार ही दी है मैंने, मतलब अपने बाकी एपिसोड्स का थोड़ा थोड़ा रिवील कर दिया है। और गाइस चलो अभी सबसे पहले हम लोग ब्लेजेस की हत्या करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्लेज पाउडर इकट्ठा ब्लेज रॉड इकट्ठा करने स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं मिनिमम तो गाइस देखो 64 लेके जाने वाला हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा पक्का इरादा है। चल झूठा। तो गाइस चलो अभी जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं ब्लेज रॉड इकट्ठे करने। वैसे मैं काफ़ी देर से लेकर बोल रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन चलो अभी सीरियसली इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। One eternity later. तो गाइस काफ़ी देर तक इन ब्लेज के साथ फाइट करने के बाद अपने 43 लेवल भी हो गए हैं। और गाइस चलो अभी इसको भी मारते हैं, इस वाले को भी, और मेरे पास अभी मेरे हिसाब से 40 हो गई है ब्लेज वाली इकट्ठी। तो गाइस चलो इस नूबड़े को मैं इससे मारता हूँ, पिकैक्स से मारते हैं इसको। बॉट कहीं का मर गया। तो गाइस चलो अभी हम लोगों को और अरे 53 हो गई है मेरे पास इकट्ठी, मेरे को पता ही नहीं चला 53 ब्लेज वाली इकट्ठी हो गई है अपने पास, और मेरे को पूरी 64 इकट्ठी करनी है। और गाइस देखो अभी मेरे पीछे एक सुअर पड़ गया है, सुअर का भाई पड़ चुका है, सॉरी अपना नदर वाला सुअर पड़ चुका है। चलो इसको जल्दी से मारते हैं। अरे बॉट क्यों नहीं मार सकता मेरे को इतनी आसानी से, क्या बोला तूने? तो गाइस चलो अभी अपने पास देखो 53 ब्लेज और तो इकट्ठी हो गई है, लेकिन अभी हम लोगों को पूरी की पूरी 64 इकट्ठी करनी है। तो गाइस उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो स्पॉनर के पास ना कम हो रहे हैं ब्लेज और इकट्ठे, और जहाँ पे मतलब मैं आसपास जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेज रॉड आ रही है, पता नहीं क्यों। ब्लेज रॉड नहीं सॉरी ब्लेज। और गाइस देखो इस टीम करने को देखो, ये इतने से एरिया से नहीं आ पा रहा। देखो चलो सबसे पहले इसको मारते हैं। मैं उसकी बात कर रहा था, विदर स्केलेटन की बात कर रहा था मैं, ये तो आ सकते हैं ब्लेज रॉड तो आ सकती है ना, लेकिन एक सेकंड।
लेकिन मैं उसको ब्लेज रॉड क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को कोई ये बताएगा? मैं बार बार उसको ब्लेज रॉड बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में ब्लेज रॉड इकट्ठा हो गया है। मैं ब्लेज बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ बार बार ब्लेज रॉड ही, पता नहीं मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन गाइस चलो अभी हम लोग पूरी की पूरी इकट्ठी करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और बिल्कुल मतलब अजीब जैसा दिख रहा है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से यहाँ पे, रियली बोल रहा हूँ। और गाइस चलो सबसे पहले अब भी देखो कितनी स्पॉन हो रही है यहाँ पे, चलो इसको जल्दी से मारते हैं और एक एक हिट में जा रही है मैक्सिमम। और लो मेरे को इसने आग लगा दी, इसमें उड़े ने, चलो इसको भी मारते हैं। अबे भाई किधर है, किधर गई वो वाली, मेरे को यहाँ दिखाई दी थी एक, और भाई मेरे को आग लग गई है ना तो उसका इफेक्ट इतना गंदा लग रहा है ना भाई, मेरे को सच में बहुत गुस्सा आ रहा है इसके लिए। और इस महाशय को देखो, नहीं भाई इन लोगों की हाइट इतनी लंबी होती कि ये दो ब्लॉक से भी नहीं आ सकते। इसको पता नहीं क्या, अरे भाई आ जा भाई, पकड़ मेरे को, अबे पकड़ ना नूबड़े, नहीं मार सकता गाइस, अरे दम ही नहीं है इन लोगों के अंदर, मेरे को मारेंगे गाइस ये लोग। तो गाइस चलो अभी सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी और ब्लेज और इकट्ठी करते, अब भी आए ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शायद ब्लेजेस को पता नहीं था कि मैं इन लोगों का भारी इंतजार कर रहा हूँ और ये लोग जैसे ही स्पॉन हुए मैंने वैसे ही इनके दे दना दन शॉर्ट ही शॉर्ट रखे। और गाइस देखो मैंने तो इन लोगों को मार दिया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन को नहीं मारा है ना यार, प्लीज़ जाके मारो उसको, बेचारा बहुत ज़्यादा शैतान हो गया आजकल, सब्सक्राइब ना कम हो रहे हैं कुछ, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को पता है अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और बाकी प्लेलिस्ट देखनी तो मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो जाकर जल्दी से देख लो। और गाइस मेरे हिसाब से अभी मेरे पास पूरी की पूरी हो गई है इकट्ठी, तो चलो अभी जल्दी से निकलते हैं क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता कहीं पे भी, अब मैं नहीं रुकना चाहता हूँ यहाँ पे। तो गाइस चलो अभी जल्दी से एक काम करते हैं, हम लोग अपना वो जिधर से मैं कूद के नीचे की तरफ गया था ना वही वाले रास्ते को ढूंढते हैं, क्योंकि अगर मैं दूसरी साइड से जाऊँगा तो मैं अपने घर तक पहुँचने नहीं वाला हूँ। तो चलो गाइस जल्दी से मैं निकलता हूँ यहाँ से। 2000 years later. तो गाइस चलो अपने को मिल गया है वो वाला एरिया जिधर से मैं आया था नीचे को, मैंने देख लिया ऊपरली तरफ को, यहीं से ऊपर को है वो, देखो ऊपरली तरफ से ये वाला होल जैसा नहीं दिख रहा है, वहीं से आया था मैं। तो गाइस चलो अभी जल्दी से ऊपर की तरफ को एक स्टेयर के सिस्टम लगा देता हूँ मैं, और मेरे पास अभी ब्लॉक्स की सच में बहुत ज़्यादा कमी है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि मैं इतने से ब्लॉक्स के साथ ऊपर पहुँचने वाला हूँ। तो गाइस चलो जल्दी से निकलते हैं ऊपर के लिए, और सबसे पहले अंदर जाता हूँ यहाँ से ब्लॉक्स इकट्ठे कर लेते। तो गाइस चलो अभी मैं यहाँ से जल्दी से ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ, और मेरे को नेदर फोर्ट्रेस ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया हूँ जिससे अपने को थोड़े ब्लॉक मिल सके ऊपर जाने के लिए। और गाइस देखो मैं ऊपर को निकल लूँगा, क्योंकि अगर मैं स्टेयर के सिस्टम दिखाने लग जाऊँगा ना आपको ऊपर पहुँचने के लिए, तो अब मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप लोगों का हो या ना हो मेरा तो पक्का ख़राब हो जाएगा। तो गाइस चलो जल्दी से अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से ढेर सारे ब्लॉक्स निकाल लेते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस चलो मैं आखिरकार ऊपर आ गया हूँ यहाँ पे, और गाइस सच में ऊपर आते आते ना मैं दो बारी मरते मरते बचा हूँ, एक बारी मैं लावा में गिरने वाला था लेकिन पता नहीं मैं कैसे कंट्रोल करके वापस से बच गया, ब्लेज ने मेरे को नीचे के लिए धक्का दे दिया था। और गाइस सच में ऊपर आके मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ ना बिल्कुल ही मतलब आतंक मच रखा था। और गाइस चलो अभी जल्दी से निकलते हैं, और गाइस मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही में है, लेकिन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है इसको, एकदम से पता नहीं चलता किस तरफ का ये। वो देखो सामने की तरफ को अभी यहाँ पे वॉट फॉरेस्ट आ जाएगा, और फिर मैं वहाँ से आराम से निकल सकता हूँ। तो मतलब एक हिसाब से अपने लिए अच्छा ही है, अपने घर के पास ही है फोर्ट्रेस, तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ एक नेदर पोर्टल बना देंगे यहाँ से, और फिर मैं कहीं से भी यहाँ के लिए ट्रैवल कर सकता हूँ, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है। तो गाइस चलो अभी जल्दी से हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और मैं इन जस्ट 2 मिनट में मिलता हूँ आप लोगों से। A few inches later. तो गाइस चलो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे अपने घर के पास, और देखो जैसे ही मैं पहुंचता हूँ वैसे ही मेरे स्वागत के लिए देखो एक नई घास आ ही जाती है, चलो इसका तो मैंने खात्मा कर दिया। और जहाँ पे मैंने पहली घास मारी थी वहाँ पे देखो अभी दो स्पॉन होगी, अब ऐसा लग रहा है जैसे ये डुप्लीकेट हो गई होगी कि अच्छा तूने मेरे को मारा अब मैं तेरे को मारती हूँ आके, ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा बोल रही होगी मेरे लिए कुछ भी। तो गाइस चलो अभी इसको भी मारते हैं, ये देखो चीखते ही मैंने इसको मार दिया, चीखने वाली चुड़ैल को मार दिया मैंने, एक चीखने वाली चुड़ैल तो गई दूसरी भी गई। और गाइस चलो अभी जल्दी से निकलते हैं अपने घर के लिए, और गाइस सच में ये वाली ट्रिप ना सच में बहुत अच्छी रही, देखो अपने को 3 विदर स्केलेटन के हेड मिल गए, और साथ ही साथ देखो 64 ब्लेज रॉड भी मिल गई। अब तो मतलब मेरे को वापस नेदर पे जाने की जरूरत नहीं, मतलब नेदर फोर्ट्रेस पे जाने के लिए जरूरत नहीं है, नेदर पे जाने की तो बार बार जरूरत पड़ती रहती है। तो गाइस चलो अभी सबसे पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ से, निकल रहा हूँ मैं फटाफट से। A few moments later. तो गाइस चलो अभी मैं अपने घर तो पहुँच गया हूँ, और अभी जल्दी से निकलते हैं, और क्या ही दिखता है भाई अपना घर यार, दूर से देखने में क्या ही मजा आता है इसको। गाइस चलो सबसे पहले इस नूबड़े से क्रीपर को तो मैंने मार दिया है, और ये दूसरा आ रहा है, और इस सिमखंडी को भी मारते हैं जल्दी से, वैसे फूटियो मत नूबड़े। तो गाइस चलो अभी मैं आप लोगों को ना अपना खजाना भी दिखाता हूँ, मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशन किए अपने हाउस पे, वो भी मैं आप लोगों को इसी वाली वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। और देखो गाइस सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल वे प्रेस कर लेना,
और क्या, चलो मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले खजाना दिखाता हूँ, बाकी बाद में करेंगे बात। और देखो मैं थोड़ी सी ये मॉडिफिकेशन की है, ऊपर की तरफ को मैंने अपने लिए एक रूम सा बना दिया है, और कहीं देखो नीचे की तरफ को मैंने थोड़ी सी अपनी यहाँ पे देखो थोड़ी सी मैंने वो लगा दी ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह साइड पे, और मैंने थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी अपने सामान को, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और कहीं देखो मैंने एक जो स्टेयरकेस है ना उसके नीचे अपना एक रूम भी बना दिया है। और कहीं देखो कितने सारे डायमंड है मेरे पास भाई साहब, कते ही ओपी वाले डायमंड अपने पास। तो गाइज अगर देखो अगर आप लोगों को डायमंड चाहिए ना मजाक कर रहा हूँ वैसे मैं, अगर डायमंड चाहिए ना तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल ना ऑन कर लेना, क्योंकि उससे आप लोगों को मेरी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और गाइज देखो आज वाली वीडियो हमारे लिए एक हिसाब से बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो रही है, देखो क्योंकि हम लोगों ने आज वाली वीडियो में देखो हम लोगों को मिल गए 3-3 विजर्स स्केलेटन के हेड, और साथ ही साथ हम लोगों ने 64 ब्लेजॉर्ड भी इकट्ठी कर दी है, और मतलब बहुत सारा काम करा है हम लोगों ने गाइज आज वाली वीडियो में भी। और अगर वीडियो पसंद आया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि देखो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मेरी मेहनत पूरी की पूरी ज़ाया चली जाएगी। और गाइज चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाके मारने वाले अपने एंडर ड्रैगन भैया को, भैया नहीं सॉरी बहना को। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।